स्टार्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, इसके पहले जो टॉपिक था उसको अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं उसमें, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपको पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इसको हम लोग, इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज होता है और इसलिए हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये वाला इसको पढ़ने के बाद वो वाला टॉपिक समझना आसान होगा, इसलिए पहले इसको पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। तो इसमें सिस्टम ऑफ चार्जेस हम लोगों ने कल पढ़ा था, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। जैसे कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है पी, और यहाँ पर इसका मान लीजिए चार्ज क्यू है, तो इस पी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट आर पे, जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, ये सपोज ओरिजिन है या जो भी है, तो इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू सम क्यू अपॉन, है ना, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कल हम लोगों ने पढ़ा था और ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ओके, सो वी हैव लर्न अबाउट दिस। ओके, तो लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, सिस्टम ऑफ चार्जेस मीन्स एक, वहां पर एक चार्ज था, तो अब एक से ज्यादा चार्जेस अगर है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये हो गया आपका, दिस इज योर क्यू वन चार्ज, दिस इज क्यू टू चार्ज, दिस इज क्यू थ्री, क्यू फोर एंड क्यू फाइव। ऐसे ही और भी सपोज एक क्यू एन चार्ज होगा सपोज, ठीक है, तो इन सारे ही चार्जेस की वजह से, ठीक है, इस पॉइंट पी के वजह से, मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पॉइंट पी पर जो है कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इन सारे चार्जेस मान लेते हैं एन चार्ज है, और इन सब का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम लोग पी पॉइंट से आर वन पी मान लिया, ठीक है, दिस इज आर वन पी। ओके, इसको हमने क्यू टू को मान लिया कितना डिस्टेंस, आर टू पी, ठीक है, क्यू थ्री को कितना मान लेंगे हम लोग, आर थ्री पी, ऐसे ही कुछ भी, आर थ्री भी मान सकते थे, आर फोर भी, तो इसने जो एनसीईआरटी ने लिखा हमने वही लिख दिया, सो दिस इज आर फोर पी एंड दिस इज आर फाइव पी। ओके, सो दीज आर द चार्जेस एंड देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस फ्रॉम पॉइंट पी। ओके, तो आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक नो सर, है, नो तो सर। हियर इट इज रिटन, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ क्यू एन, क्यू टू, क्यू थ्री, आर वन, आर टू, आर थ्री, रिलेटिव टू सम ओरिजिन, एंड लेट बी वन बी एट पी, वी वन विद द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू वन। ओके, लेट अस सपोज ड्यू टू दिस चार्ज क्यू वन, पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी अकॉर्डिंग टू यस्टरडेज फॉर्मूला, वी वन इक्वल्स टू के, दिस इज 1/4 pi epsilon naught क्यू वन अपॉन आर वन पी। ओके, सो वी वन इज दिस, है ना, वेयर आर वन पी इज द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन क्यू वन एंड पी। ओके, दिस डिस्टेंस इज आर वन पी। सिमिलरली द पोटेंशियल ड्यू टू क्यू टू एट पॉइंट पी विल बी वी टू इक्वल्स टू क्यू टू अपॉन 4 pi epsilon naught आर टू पी, सिमिलरली वी थ्री इक्वल्स टू क्यू थ्री अपॉन 4 pi epsilon naught आर थ्री पी। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम? तो हम लोगों ने चैप्टर वन में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा था आप लोगों को वेव्स चैप्टर में, ठीक है। सो बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द पोटेंशियल वी एट पी ड्यू टू द टोटल चार्ज कॉन्फिगरेशन इज एलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, जैसे हम लोगों ने चैप्टर वन में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ठीक है, उसी तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो क्या होता था, हर एक, अब इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि
जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू वन निकाल रहे हैं, तो बाकी सारे इन सब को हम लोग एबसेंट मानेंगे, इन सब से इसका इंटरेक्शन नहीं होने देंगे, ठीक है? तो सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कल देखा था कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन जब फाइंड करते थे, तो उसके पोटेंशियल में आपको वर्क डन आता था और फोर्स आता था, और ये फोर्स हमारा कूलम्स लॉ से डिराइव था। ओके, ये फोर्स किससे डिराइव था? कूलाम्स लॉ से। तो कूलाम्स लॉ में भी आपने देखा था कि उसमें दो ही चार्जेस की बात होती है, जब तीन चार्जेस होते हैं तो हम लोग दो दो करके निकाल के फिर उनका वेक्टर सम करते थे, ठीक है? समझ में आ रही बात? तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि जब क्यू वन की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं पॉइंट पी पे, तो क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर इन सबको इग्नोर करना है, ठीक है? उसी तरह से जब क्यू टू को ले रहे हैं तो बाकी सबको इग्नोर करना है, एंड सो ऑन, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल, वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री एंड सो ऑन वी एन। ओके, तो लेट अस पुट द फॉर्मूलाज फॉर, है ना, वी वन की जगह पे के क्यू वन अपॉन आर वन पी, फिर के क्यू टू अपॉन आर टू पी, के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री पी, क्यू एन के लिए क्यू एन अपॉन आर एन पी, ठीक है? के सब में से बाहर निकल गया, ठीक, कॉमन, और फिर ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया सबको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कैसे निकालना है। वी ठीक इक्वल है टू सर। वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू वन अपॉन आर वन पी प्लस क्यू टू अपॉन आर टू पी प्लस क्यू थ्री अपॉन आर एन पी। ओके, अगर हम लोग चाहते हैं इसको इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना, सो वन अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट की जगह पे के आ गया, और ब्रैकेट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ क्यू आई। ओके, क्यू आई अपॉन क्या, आर आई पी। ओके, इट कैन बी रिटन एज आर आई पी, वेयर आई इक्वल टू वन से लेके कहाँ तक, एन तक। ओके, समझ आ रहा है सबको? ये हो गया हमारा, तो एन आई की जगह वन पुट करेंगे, क्यू वन अपॉन आर वन पी प्लस क्यू टू आई की जगह टू पुट करेंगे, तो क्यू टू अपॉन आर टू पी एंड सो ऑन एन तक में क्यू एन अपॉन आर एन पी। गॉट इट? गॉट इट? ओके, यस ठीक सर। है। तो ये है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है सबको? बोलिए। ठीक है, ठीक है। तो बाकी इन सबको थोड़ा सा ऐसे ही, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, एग्जाम से रिलेटेड उतना कुछ खास नहीं है, आप बस ऐसे रीड कीजिएगा, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप अभी फिलहाल इग्नोर कर दीजिए, आएगा इन सब का समय, ठीक है? ये सब बातें ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है? चलिए, तो आपको हाँ देखिए, यही चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक? अगर इसको मैं 2 मिनट में भी खत्म कर सकता था, बोल देता सीधा कि चैप्टर वन में आपने पढ़ा है, ठीक है, वी वन इतना हो गया, वी टू इतना हो गया, वी थ्री इतना हो गया, और फिर ये वी एन इतना, सारे सबका जो है अल्जेब्रिक सम कर देंगे, एक एक चीजें बारीकी से बताने की जरूरत नहीं है, तो शॉर्टकट में भी खत्म हो सकता है, बट आप लोग को ये समझना है कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब इसके बेस पे हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 2.2 करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या कह रहा है कि टू चार्जेस 3×10⁻¹ एंड −2×10⁻¹ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, दिस इज लेट अस सपोज Q1 एंड दिस इज सपोज Q2। दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड एट 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एट वट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। सो इस लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पे के किस पॉइंट पर, एक पॉइंट यहाँ पर हो सकता है सपोज वन, एक पॉइंट इधर की तरफ हो सकता है सपोज टू, और एक पॉइंट इन दोनों के बीच में हो सकता है सपोज थ्री। ओके, तो इन तीनों पॉइंट में से, तीनों साइड में से, ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ, है ना, डिस्चार्ज, टुवर्ड्स द राइट ऑफ दिस −2×10⁻¹ कूलाम चार्ज,
एंड बिटवीन दीज टू चार्जेस, ये तीन रीजन है, तीनों रीजन में से कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है? सो एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। सो अब आप लोग गेस कीजिए कि किधर होना चाहिए जीरो, वन टू और थ्री में बताइए, कोई बता सकता है? वन, इसका मैं टेक्निक आप लोगों को सिखा चुका हूं, वन टू थ्री किस जगह पे जीरो होना चाहिए, चैप्टर वन में ये सारी बातें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सिखाया था कि कैसे हम लोग देखते हैं कि जीरो होगा। देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है चार्ज, ठीक है? तो हम लोग सपोज मान लेते हैं, पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड में पॉइंट कुछ भी हम लोग मान लेते हैं, मान लेते हैं क्या ए बी दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पर एक्स मान लेते हैं सपोज, ठीक है, एक्स भी इसने ले रखा है, चलिए ठीक है अभी हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो इधर की तरफ एक्स ये जो है यहाँ से सपोज आर डिस्टेंस पे है यहाँ से, ठीक है, और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर है, ओके। तो अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा आपका कितना, के इंटू क्यू अपॉन आर, ठीक है, और इस माइनस क्यू की वजह से हो जाएगा आपका, ये प्लस क्यू की वजह से और ये माइनस क्यू की वजह से है, दिस इज सम के क्यू अपॉन 15 प्लस आर होगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से, इस पॉइंट से ये 15 है और ये यहाँ पे हो गया, तो 15 प्लस आर, ठीक है। तो अब सोचिए ये जो डिनोमिनेटर में है ये, ठीक है, ये क्या है, छोटा है या बड़ा है, 15 प्लस आर, और आर में कौन बड़ा है, 15 प्लस आर बड़ा है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये चीज अगर बड़ा है तो ये चीज जो है वो छोटा हो गया बड़ा हो गया, बी माइनस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल छोटा हुआ या बड़ा हुआ, छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस आर जो है वो कम है तो ये ज्यादा होगा, ठीक है, समझ आ रही बात। और चार्जेज भी जो है ये चार्ज के मामले में भी कम है, चार्ज भी इसका छोटा है और ये डिस्टेंस भी बड़ा है, तो इस दोनों की वजह से वी माइनस जो है बहुत छोटा हो जाएगा और ये वी प्लस जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, वी प्लस वाला ज्यादा वैल्यू लेते जाएगा और वी माइनस वाला की वैल्यू कम होते जाएगा, ठीक है। इधर की तरफ पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों कैंसिल आउट हो सके, दोनों बराबर में आ पाएगा इधर, बोलिए, नहीं आ पाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन नॉट बी जीरो, क्लियर सबको, क्लियर है सबको, ओके, ठीक है। तो ये चीज को ना आपको अपने से सोचना है, ठीक है, ये सब बातें आपको बुक में नहीं लिखी होती है, बट एक्सप्लेन करना इसलिए है लॉजिकली, डायरेक्टली इसमें जो लिखा हुआ है सॉल्यूशन करके आपको समझा भी सकता हूं मैं, बट आपको ये सोचना भी है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, हम क्यों इस दोनों के बीच में ही पॉइंट एज्यूम किए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इस साइड मान लेते हैं सपोज किसी पॉइंट पे, ठीक है, ये डिस्टेंस अब मान लीजिए आर था वहां पर, अब इसको हम लोग चलिए वाई डिस्टेंस मान लेते हैं, ओके। तो अब समझिए हम लोग को जीरो करना है पोटेंशियल, ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये सपोज एक्स पॉइंट है, ठीक है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल जो होगा वो, और इसकी वजह से जो होगा ये ए की वजह से, ठीक है, तो ए की वजह से डिस्टेंस है आर और यहाँ पर ओ की वजह से डिस्टेंस है 15 प्लस आर। अब बताइए कौन बड़ा होगा, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला, इस साइड में वी पॉजिटिव या वी नेगेटिव कौन बड़ा होगा, बोलिए, V पॉजिटिव आपको क्या आ रहा है बताइए, K Q अपॉन है ना कितना 15 प्लस R, और V नेगेटिव कितना आ रहा है आपका K Q अपॉन R, ठीक है। अब बताइए 15 प्लस R बड़ा है या R बड़ा है, 15 प्लस R ये बड़ा है, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो V प्लस क्या होगा, छोटा होगा, होगा
और ये जो है आर वाली चीज जो है वो इसके रिस्पेक्ट में बड़ी होगी। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कभी भी इस जगह पर यानी ये डिस्टेंस कुछ ऐसा होते होते ऐसा हो सकता है कि ये कुछ ऐसा डिस्टेंस पॉसिबल है कि 15+ r और r आपस में ऐसे एडजस्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं पे ये जाके v पॉजिटिव वाला जो है वो v नेगेटिव के आसपास पहुंच सकता है। पहुंचने की संभावना है या नहीं है, ताकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे, v प्लस और v माइनस। यस और नो? यस। यस ठीक है, तो लेकिन इस साइड में ये पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। इस साइड में पॉजिटिव वाला और बढ़ता ही जा रहा था, नेगेटिव वाला घटता ही जा रहा था। जैसे जैसे आर बढ़ता जाता, नेगेटिव वाला घटता जाता। ठीक है, बट यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि 15+ r घटता जाएगा और ये जो है अपना मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो एक ऐसा सिचुएशन होगा कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, कैंसल आउट होके जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है। गॉट इट? अच्छा, इन दोनों के बीच में भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है या नहीं? मान लेते हैं ये यस पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हो सकता है कि ये एक एक हो गया आपका R और दूसरा हो गया 15-R, है ना? क्योंकि ये पूरा 15 है, तो ये R है, तो ये 15-R, तो हो सकता है ये दोनों एडजस्ट करें आपस में, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके। ठीक है, तो इसी सब कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट साइड में तो पॉसिबल नहीं था, जिधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है उधर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या तो उन दोनों के बीच में हो सकता है या नेगेटिव साइड की तरफ हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की साइड हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस टेक द ओरिजिन ओ एट द लोकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हमने ओ लोकेशन पे फिक्स कर दिया। ठीक है, एंड द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस बी, इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया पूरा। ठीक है, सपोज एंड द नेगेटिव चार्ज इज टेकन ऑन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, इसको हमने राइट साइड ऑफ, ये ओरिजिन है तो यहाँ राइट साइड में इधर रखा। ठीक, लेट पी बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वेयर पोटेंशियल इज जीरो। इसने अपने मर्जी से पी पॉइंट को मान लिया, जहां पर दोनों के बीच में कहीं एक जगह पे जहां पर पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, और इसको मान लिया लेट एक्स इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, एक्स, तो एक्स कॉमा जीरो हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया कितना, एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बताइए बताइए। ये पूरा, 15 माइनस हाँ ये पूरा 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15-x। क्लियर है सबको? ओके, यस सर तो यहाँ से अब हम लोग जो है पॉइंट पी पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है, वी पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, 3×10⁻¹ और डिवाइडेड बाय कितना, आर, आर कितना है, एक्स, और ये सेंटीमीटर है तो इसलिए इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻²० लगाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर ओ की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। ठीक है, अब वी पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा बताइए, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज कितना, −2×10⁻¹ और डिवाइडेड बाई 15−x×10⁻²। आ रही बात समझ में सबको? बोलिए। यस सर तो अब हम यस दोनों को क्या करेंगे, दोनों पोटेंशियल को प्लस कर देंगे, तो और उन दोनों का जो नेट पोटेंशियल होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, इसको हमने क्या किया, कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब 3×10⁻¹ अपॉन में x×10⁻², ये लिख दिया, और ये यहाँ पर माइनस था तो इसलिए पूरा का पूरा उठ के यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। एग्रीड? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को?
नो सर। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट उठ के इधर जाएगा, जीरो बन जाएगा, यस और नो? यस सर। अरे हाँ या नहीं? ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला जो चीज है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो अब सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें बचेंगी, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अब। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है आपकी कितनी, 3 × 10⁻¹⁸ डिवाइडेड बाई x × 10⁻², और माइनस में 2 × 10⁻¹ डिवाइडेड बाई 15 − x × 10⁻², और इक्वल्स टू 0। गॉट इट? यहां से अब आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है अगेन, क्या आ रहा है, 10⁻¹ डिवाइडेड बाई 10⁻², कॉमन आ रहा है। अब यहां पर क्या बचा, 3/x − 2/15 − x इक्वल्स टू 0। अगेन दिस इज व्हाट, 10⁻⁶, ये 10⁻⁶ उधर जाएगा है ना, × 3/x − 2/15 − x इक्वल टू 0। तो ये 10⁻⁶ जो है उधर जाएगा, तो क्या बचेगा, 3/x − 2/15 − x, सॉरी 15 − x इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं, सो इट कम्स आउट टू बी 3/x = 2/15 − x, तो 2x = 45 − 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 5x = 45, सो x = 9 cm। ओके, सो दिस इज 9 cm, यानी 9 cm कहाँ से, और ओ से, ओरिजिन से 9 cm, यानी ये 15 cm पूरा है, तो ये 9 cm यानी कि मिड पॉइंट से आगे जाके, यानी नेगेटिव चार्ज के साइड में ही जाके, ये नियर द नेगेटिव चार्ज, ये जाके आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको, बोलिए बोलिए। 10⁻⁶ को उस साइड भेज के 0 नहीं कर सकते, तो 0 हो तो गया, 10⁻⁶ जो था उसको तो हटा ही दिया ना उधर, 0/10⁻⁶ हो गया वो, है ना, वो तो 0 ही हो गया, उसको हटा दिया ना, कहाँ रखे हैं उसको। ठीक है, क्लियर है सबको इतना, बोलिए। यस सर। इन कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लीजिए। ठीक है, तो अब ये तो आपका हो गया कहां पे, कहां पे बोलिए, जब P जो है इन दोनों के बीच था। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन हमने और भी तो देखा था, क्या, कि ये इस लाइन के यहां पर भी पॉसिबल है, कहां पर, इस जगह पर भी पॉसिबल था, यहां पर राइट साइड में। ठीक है, लेट अस सपोज इसका नाम हम लोग क्यों रख देते हैं, क्यों नहीं, क्यों तो चार्ज हो जाता है, इसका नाम हम लोग कुछ भी ओ था, तो ओ पी क्यू आर रख देते हैं। ओके, चलिए, तो यहां पर अगर होगा तो आप देखिए, ये यहां से हम लोग x डिस्टेंस पे इसको मान लेते हैं सपोज। ओके, तो ओ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 + x, होगा कि नहीं होगा, बोलिए, होगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इसको क्या मान लेते हैं कि x lies on extended line OA and the required condition is, इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इस पूरे डिस्टेंस को कितना मान लेते हैं, यहां से O से ही x डिस्टेंस मान लेते हैं। अब दो मतलब दोनों ही चीज कर सकते हैं आप, चाहे तो यहां से x मान लीजिए, चाहे वहां से x मान लीजिए, एक ही बात है,
बट एनसीईआरटी इसमें जो सॉल्व करके रखा हुआ है उसी को हम लोग एक्स वो सॉल्व कर देते हैं। दिस डिस्टेंस लेट अस सपोज इज एक्स, ओके। तो यहां से यहां का डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा बताइए, ये पूरा यहां से यहां तक एक्स 15 माइनस है, फिफ्टीन हाँ, तो इट विल बी एक्स माइनस 15, ओके। तो अब इसके लिए आपको जब सॉल्व करेंगे फिर से तो ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में है ना ये एक्स डिस्टेंस, और -2 अपॉन में एक्स -15 डिस्टेंस, ठीक है। तो 3 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय 2 अपॉन, हाँ, -2 अपॉन एक्स -15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स इक्वल टू 45 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको इसलिए करके दिखाया, ये चाहता मैं तो कैलकुलेशन नहीं भी कर सकता था, ठीक है। इस करके दिखाने का मेन रीजन यही था कि इसमें 2 बार सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको ये दोनों चीज पे ध्यान रखना है। पहले आपको इसलिए मैंने क्या सिखाया कि हम लोग को ये चेक करना है कि किधर हो सकता है पोटेंशियल जीरो, लेफ्ट में या राइट में। उसके बाद मैंने क्या सिखाया कि अब दोनों दोनों के बीच में निकाल लिया, फिर उसके बाद ये देखेंगे इस साइड कैसे निकालना है, उसके लिए हम लोग डिस्टेंस को कैसे लेट करेंगे। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर इससे डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को अगर सपोज एक्स मान लिया होता यहाँ से एक्स, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाता 15 प्लस एक्स। उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू क्या आती बताइए आप लोग आंसर में। अभी अगर हम इस डिस्टेंस को एक्स मान लेते तो एक्स की वैल्यू क्या आती, सेम 30 आता ना, क्योंकि 45 सेंटीमीटर ये पूरा आ रहा है आंसर में, ये देखिए ना 45 आ रहा है। तो अगर आप यहां से इस डिस्टेंस को एक्स माने होते तो यहां से ये वाला आपका 30 हो जाता, और ये 15 पहले से है तो 45 सेंटीमीटर हो जाता। एग्रीड, बोलिए। यस सर और आप इसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 2.3 ट्राई कीजिएगा, और आज ही आपको क्या करना है, आराम से घर पे बैठ के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, सेम वही है, देखिए, टू चार्जेस दिस एंड दिस लोकेटेड इतना, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, सेम क्वेश्चन है, बोलिए। तो यस आपका होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.1, क्वेश्चन नंबर 2.2, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। सो देर आर 5 क्वेश्चन इन टूडेज होमवर्क, ओके, ये आपको फिनिश करना है, ठीक है, बाकी आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू।